अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि जिसका नाम है मलाई चना मुर्ग। तो इसके लिए चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले वो है यहाँ पर चिकन, 1 किलो का लेंगे तो आप उसके 12 से 16 टुकड़े करवा सकते हैं। चने जो है यहाँ पर इसका मैं काम कर चुकी हुई हूँ, वो ये है कि मैं इसे रात भर पानी में भिगो करके रखा और फिर सुबह उठ करके इसको वो पानी फेंक करके साफ़ पानी में इसको बॉयल कर लिया, यहाँ तक ये बिल्कुल गल चुका हुआ है। और जब आपने इसको गला लेना तो जो मेन काम आपने करना है वो कुछ यूँ है कि कुछ जो चना होगा उसे आपने मैश कर लेना है, मैशर के साथ कर लें। तो ये देख लें, कुछ मैंने मैश कर ली है और कुछ मैंने साबुत रहने दिए हैं। तो ये यहाँ पर चने तैयार हो चुके हैं। उसके बाद इसमें जाएगी दही, थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, क्रीम है घर की इस्तेमाल कर लें पैकेट की, दैट्स योर चॉइस। अदरक और लहसुन का पेस्ट हो गया, फ्रेश अदरक जिंजर जाएगी, हरी मिर्चें, दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज और तीखी वाली ग्रीन चिलीज दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ीरा यहाँ पर है, क्यूमिन सीड्स, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड, कोरिएंडर सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड, सॉरी हल्दी जाएगी बीच में, टर्मरिक पिसी हुई लाल मिर्ची, दैट्स रेड चिली पाउडर, ज़ीरा दोबारा आपको साबुत चाहिए, दैट्स क्यूमिन सीड्स, और उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर मिंट। मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैं यहाँ पर ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप जो है ड्राई की जगह फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म मसाला पाउडर है, सॉल्ट हो गया, नमक, थोड़ा सा एंड में हरा धनिया भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है, आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो आपने इसमें करना है वो ये कि तेल में मैं इसको बना रही हूँ, तेल हो चुका है गर्म, इसमें आप डालेंगे चिकन के पीसेस और आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा जो कलर है गोल्डन की तरफ आ जाना चाहिए, और जैसे ही गोल्डन हो जाएगा इसे निकाल करके आप एक साइड पर रख देंगे और फिर आपको मिक्स कर दिया। चिकन फ्राई हो गया, उसे मैंने एक साइड पर रख दिया। अब उसी तेल में कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए इसी में मैं अब डालूँगी यहाँ पर ज़ीरा, जो साबुत ज़ीरा था, गर्म तेल में जाते ही वो अपना जायका छोड़ देता है। और इसके साथ ही आप ऐड करेंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, फ्लेम हाई पर रखेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है, यहाँ पे किसी इसका कच्चापन हमने जो है ख़त्म करना है। तो ये देखिए इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, अब इसमें आपने जो है यहाँ पर बाकी के मसाले ऐड करने, इसमें जाएगी सबसे पहले हरी मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, इसीलिए लाल मिर्च, नमक, भुना पका जीरा, पुदीना, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसी में आपने जो है ऐड कर देनी वो है दही। बहुत दफ़ा आपको बताया है ठंडी नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए और फेंट कर डालते हैं, तो ये है कि इसमें लम्स नहीं बनते, यानी दही नहीं फटती। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपने इसको यहाँ पे हाई फ्लेम पे इतना कुक करना है कि जो दही का पानी है वो खुश हो जाए। तो देख लें पानी यहाँ पे खुश हो रहा है, बिल्कुल मामूली सा रह गया हुआ है। अब यहाँ पर ला करके आप इसमें ऐड कर देंगे जो कि चिकन हमने फ्राई की थी, इसमें इसको डाल दें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और उसके बाद हाई फ्लेम पर रखकर आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह इसी मसाले में भूनना है और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए अच्छी तरह मैंने इसको इसमें भून लिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आप ऐड करेंगे जो कि चने हैं जो हमने बॉईल किए थे, जिस पानी में आपने चनों को बॉईल करना है वो तमाम पानी आप डिस्कार्ड नहीं करते, थोड़ा बहुत बीच में रहने दें क्योंकि उसी में इसका जायका है। तो ये मैंने इसके साथ बीच में डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे आप इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी, ये चला गया इसमें पानी। फ्लेम को आप रखेंगे हाई पर और उसके बाद जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि जो चिकन है वो कम्प्लीटली डन हो जाए, क्योंकि हमने शुरू में इसको सिर्फ फ्राई किया था, इसको कलर देने के लिए इसको कुक नहीं किया था। तो ये कि यहाँ पे इसी पानी में चिकन भी डन हो जाएगी और चने जो है उसमें अच्छे से इसका जो है मसाले का जायका भी आ जाएगा। तो फ्लेम हाई पर रखें, जोश आने दें, उसके बाद कवर करें और लो टू मीडियम रखकर कुक कर लें और फिर आपको दिखाते हैं।
तो देखो यहाँ पे जो है इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, तेल आ रहा है सरफेस पर। अब आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है ये पतना, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये कि यहाँ पर ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका हुआ है, ये देखिए। ठीक है, इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको क्रीम दिखाई थी, फ्रेश अदरक जाएगी, थोड़ी सी छोड़ेंगे गार्निशिंग के लिए, और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, बाकी मैं छोड़ रही हूँ गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम मैंने फिलहाल हाई पर रखी हुई है। अब मिक्स कर लिया, बीच में डाल देते हैं हरा धनिया, और इसको सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए चमचे जो है थोड़ा सा बीच में हिलाते रहें और इसको थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं। अच्छी तरह आपने इसको 7-8 मिनट हाई फ्लेम पे कुक कर लिया, चमचा हिलाते रहें, क्रीम बीच में अच्छे से मिक्स हो जाती है। उसके बाद आप इसको सर्व करते वक्त थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक डाल करके लेमन के साथ में, नींबू के साथ में इसको आप सर्व कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनता है, इसे आप सर्व करते हैं गर्मा गर्म नान हो, रोटियाँ या फिर पराठे हो जाएँ। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी भी आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, पैको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।